मंडे को इलेवन मंडे को 11 सालों को टेस्ट बोला हुआ कि नहीं? मंडे को अब लास्ट चांस होगा, ऑर्गेनिक में कौन बैठेगा? अभी तो भाई 5 बच्चों को लोगा ना, वही 5 है कि तुम सब लोग फेल हो रहे हो। मंडे को लास्ट चांस होगा, जो चैप्टर्स हो गए हमको ढंग से देना। तुम खुद देखो, उस दिन लोगों ने टेस्ट किया, गर्व सिंगल को मैंने बोला तू 2 मिनट, 3 4 मिनट का टाइम है, तू टेस्ट दे गया, उससे 3 4 मिनट में फुल मार्क्स ले लिया 10 में से 10 टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत इजी है, इसमें तुम फुल मार्क्स नहीं ले रहे तो फायदा नहीं है, फिर तुम नहीं क्रैक कर पाओगे, या नीट हो या फिर क्या कहते हैं IIT। हिमांक के भी सही था, उसे एक सिलेबस चेक किए, और तुम्हारे सामने उस दिन भी मैं चैप्टर का टेस्ट दूंगा। इसको इनको तो नहीं बताया कॉन्सेप्ट का टेस्ट है, या इनको तो नहीं बोल रहा मैं कि टेस्ट देना है। और ये पहले बच्चे अपने जो करते थे ना काम 2019-20 तक, वो अपने आप ही टेस्ट होता था कि 11 सालों को टेस्ट जरूर देते सर, 10 मिनट में देंगे टेस्ट, 10 मिनट टेस्ट देकर चेक करवा लेते। तुम लोग अपना यहाँ पे आंसर ही निकाल पा रहे, इतने इजी टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा भी एक भी नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ वही तुम्हारा। अच्छा वो भी इजी दिया मैंने, वो एवरेज लेवल का टेस्ट था, टफ नहीं था। दिया था नंबर हाँ, किसी ने निकाला ना सर, CLO2 रेडिकल। देखो सर, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर, ये मैं लोन पेयर नहीं दिखा रहा, उससे कोई मतलब खा लिया, ये लोन इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, लोन पेयर भी है इधर, पता था ना इसको ऐसी रहना, इससे कोई मतलब नहीं है, लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड हाँ, गर्व निकल, गर्व निकल गया दे रहा, सही है, गर्व मंगला ने निकाली है और गर्व सिंगल ने 1.75। अच्छा गर्व एक बार स्पेन कर, गर्व मंगला सर, वो जो एंटीबॉन्डिंग वाला है, एक लोन पे है, लोन इलेक्ट्रॉन है, वो मतलब एक डबल बॉन्ड को करेगा या फिर एक दूसरे वाले डबल बॉन्ड को करेगा, दोनों को साथ में नहीं करेगा, तो 4-1 सही है। बाय 2 है। थ्योरेटिकली तूने बोल दिया, तेरा सही आंसर। हाँ तू बोल, आयुष थोड़ा जोर से बोलियो। फोर माइनस 4 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्या कैसे किस लॉजिक के अकॉर्डिंग लगाया था? बॉन्ड ऑर्डर था हाफ इनटू NB माइनस NB, ये था ना। अब NB क्या रहा होगा, एक तरह से कुछ भी मान ले तू, यहाँ पे आंसर 2 आए, बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, अभी हाफ इनटू 4 माइनस 0 रहा होगा कि नहीं, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। लेकिन अब NA जो है, NA जो है वो 1 आ गया कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा वो एंटीबॉडी में, या यहाँ पे होगा, दोनों में से एक जगह होगा ना। मान ले मैं एक बार इधर मान रहा हूँ, इधर माना अगर मैंने, तो 4 माइनस क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5, यानी इधर बॉन्ड ऑर्डर तेरा 1.5 है, इधर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो एक्चुअल में मीन लेंगे ना दोनों का, नहीं समझे बात? क्योंकि जरूरी थोड़ी है 2.5 हो, वो 1.5 हो, वो 1.5 यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो एक्चुअल में। अच्छा तू ऐसे ही सोचा, सही, तो ये कितना आ गया 1.75, क्या समझ आया? ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कम करेगा, क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग में, समझ आया कि नहीं है? जिसको नहीं समझ आया छोड़ देना, ये वाला पार्ट समझने में दिक्कत आती है। वो एक यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 था, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 2 है ना बॉन्ड ऑर्डर, तो यानी हाफ इंटू 4 माइनस 0 होना चाहिए था, तब 2 आएगा। लेकिन एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन तो है ना जो बॉन्ड ऑर्डर को कम कर रहा है, जो एंटी बॉन्डिंग में है, तो जो कम कर रहा है मैंने उसको माइनस वन कर दिया किसी एक डबल बॉन्ड के लिए, तो एक जगह बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, तो एक जगह आ गया 1.5, 2 है और 1.5 है, ये 1.5 यहाँ पे भी हो सकता है ना, तो इससे क्या आएगा 2, दोनों का मीन 2 प्लस 1.5 बाय 2, क्या समझ आ गया? तो इस तरह से आएगा, क्लियर हो गया कि नहीं? ये पूरा ये था CLO2 रेडिकल। नेक्स्ट, अब जो जिसकी वजह से हमने ये टॉपिक पढ़ा है, जिसकी वजह से हमने टॉपिक पढ़ा है CF3 रेडिकल, CF3 रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन करते हो क्या आएगी, CF3 रेडिकल, इसी वजह से पढ़ा है टॉपिक, ये CF3 रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, निकल गया पता कैसे मुझे? हाँ
बोला देते। तू इतना इतना टफ तरीके से क्यों बोल रहा है? सी एफ बॉन्ड है, एफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसमें परसेंटेज पी का क्या हो जाएगा? परसेंटेज पी बढ़ गया, परसेंटेज पी बढ़ गया, परसेंटेज पी बढ़ गया, तीनों बढ़ गया कि नहीं? तो ऊपर जो लोन इलेक्ट्रॉन है उसका परसेंटेज पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परसेंटेज एस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब परसेंटेज एस बढ़ गया तो ये कार्बन के न्यूक्लियस के पास जाएगा। जब ये कार्बन के न्यूक्लियस के पास जाएगा तो क्या करेगा? हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इससे एबिशन क्या आ जाएगी? एस पी थ्री। नहीं समझ आया? इसकी एबिशन क्या आ गई? एस पी थ्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। फिर वगैरह अगर यहाँ पे एच होता नीचे तो क्या कोई डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव? नहीं है ना? तब तो कोई डिफरेंस है ही नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव में। इसीलिए ये अब sp3 में नहीं रहेगा। ये sp3, ये जहाँ पे था p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल में रहेगा। एच 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 और ये लोन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रहेगा। क्या समझ आ गया? अब तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा ना, उल्टा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए अब ये लोन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल क्लियर है कि नहीं है? तो अब इसके डायमंड फॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे ज्यादा होंगे? थोड़े कम हो जाएंगे कि नहीं? ये तो पी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया। डायमंड तो करता ही है ना, ये CH3 रेडिकल दूसरे का कंबाइन करता है कि नहीं करता? क्या बनाता है? C2H6। लेकिन जल्दी डायमंड कौन बनाएगा? अब तुम कर पाओगे क्वेश्चन? CF3 रेडिकल की दो CF3 रेडिकल लिए बन गया C2F6। कौन बनाएगा जल्दी डाइमर? CF3 रेडिकल। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट? समझ आ गया कि नहीं है? तो C2F6 ये आ गया, यहाँ नीचे क्या है? C2H। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला, डाइमर फॉर्मेशन मैंने तो बता दिया, CF3 रेडिकल और CH3 रेडिकल। हाइड्रोजन बता दिया, हाइड्रोजन बता दिया, एंगल कितना हो जाएगा वो भी तुम्हें पता। थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? लेस देन। थीटा क्या होगा? लेस देन और ग्रेटर देन। थीटा विल बी ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। सारी बातें लगी, सारे ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन थे। बॉन्ड ऑर्डर वन होगा, बॉन्ड ऑर्डर वन होगा। और अब इसके अंदर था CF3 का CF3 रेडिकल। तानिया CF3 रेडिकल। अच्छा, डायमंड फॉर्मेशन क्यों जल्दी कर रहा है ये? इसका रीजन सुनेंगे एक बार, इसके रीजन सुनेंगे। CF3 रेडिकल के अंदर ध्यान देना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ यहाँ पे। इसका रीजन वाई CF3 फॉर्म्स डाइमर मोर रेडिली देन CH3। इसका डाइमर जल्दी क्यों बन रहा है? CF3 रेडिकल का डाइमर जल्दी क्यों बन रहा है? नोट करेंगे इसको। देखो, एक तो रीजन इसका मैंने तो बता दिया। पहला, इसके अंदर जो लोन इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ज्यादा डायरेक्शनल देन पी ऑर्बिटल, याद है कि नहीं? यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल। दूसरे में क्या लिखोगे? मोर डायरेक्शनल। लोन इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल देयर मोर डायरेक्शनल वेयर इन केस ऑफ ये CF3 के अंदर है, इन CF3 मोर डायरेक्शनल इन CF3। दूसरा, उसमें क्या लिखेंगे? लोन इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल व्हिच इज लेस डायरेक्शनल। लिखिए कि नहीं? पी ऑर्बिटल लेस डायरेक्शनल। एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और जेड में भी हो सकता है। लिखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। जो लोन इलेक्ट्रॉन है अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, लोन इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो वो सिंगल ओवर है ना? सिंगल ओवर है कि नहीं? सिंगल ओवर है तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से होगा, डायमंड फॉर्मेशन आसानी से होगा। और ये दो लोब्स है कि नहीं पी ऑर्बिटल के अंदर? तो इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन है सिंगल लोब और CH3 रेडिकल में दो इलेक्ट्रॉन इन, दो इलेक्ट्रॉन इन इन इज इन टू लोब्स।
अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, पता ना ये दूसरा पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो इसलिए भी डायमंड फॉर्मेशन जल्दी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा CF3 रेडिकल से जब C2F6 बनेगा। तो CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा या CH3 रेडिकल से C2H6 बनेगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, किस केस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा? ध्यान, मैंने तुम्हें एक लाइन थोड़े दिन पहले बोली थी, O और F ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है, ज्यादा है कि नहीं? ध्यान आ गया कि नहीं? तो CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा, इसीलिए भी डायमंड फॉर्मेशन CF3 रेडिकल का जल्दी हो। CF बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी इज मोर, CF बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में ना देखो, CF3 रेडिकल में कार्बन की रोटेशन क्या है? CF3 रेडिकल में कार्बन की रोटेशन क्या है? sp3। C2F6 में कार्बन की रोटेशन क्या है? C2F6 में उसमें भी sp3 है। तो क्या कोई एनर्जी बैरियर है डायमंड बनने में? इधर भी sp3 और इधर भी sp3, क्या कोई एनर्जी बैरियर है? बोलो, एक हाइब्रिडेशन से दूसरी हाइब्रिडेशन जाना है तो एनर्जी बैरियर होता है कि नहीं? क्या इधर एनर्जी बैरियर है और इधर क्या हाइब्रिडेशन है इसकी? sp लिखा ऊपर 2, नहीं समझ आ रहा तुम्हें? आयुष, sp2 है ना, sp2, और इधर क्या हो गया? sp3। तो इसमें एनर्जी बैरियर है कि नहीं? सिंस देयर इज रीहाइब्रिडाइजेशन इन हाइब्रिडेशन इन केस ऑफ सिंस देयर इज रीहाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ इसके अंदर CH3 रेडिकल के अंदर जब डाइमर बन रहा है, तो रीहाइब्रिडाइजेशन हो रही है कि नहीं? तो देयर विल बी एनर्जी बैरियर। एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से दूसरे में बनना है तो कुछ तो एनर्जी बैरियर होगा ना, इसीलिए भी डायमंड फॉर्मेशन CH3 रेडिकल का आसानी से नहीं होता। मैंने कितने रीजन दिए हैं इसके? चार। पहला, लोन इलेक्ट्रॉन CF3 के अंदर, लोन इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल सो मोर डायरेक्शन, और उसमें लोन इलेक्ट्रॉन इसमें है पी ऑर्बिटल में लेस डायरेक्शन। दूसरा क्या दिया? लोन इलेक्ट्रॉन सिंगल लोब में है इसके अंदर CF3 रेडिकल में, और उसमें लोन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? हाँ, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, दूसरा ये। तीसरा, तीसरा जब डायमंड बनेगा तो CF बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, CF बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, यानी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। क्लियर? एनर्जी रिलीज क्या होगी? ज्यादा होगी। और CH3 रेडिकल में, CH3 रेडिकल में क्या होगा? कम एनर्जी रिलीज, कम होगी। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड एनर्जी होती है ज्यादा ये भी, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी CH3 की। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट, अगर तुमने CF3 रेडिकल से C2F6 बनाया, CF3 रेडिकल से C2F6 बनाया, देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडेशन, देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडेशन, तो देयर इज लेस एनर्जी बैरियर व्हेन डाइमर इज फॉर्म, लेस एनर्जी बैरियर व्हेन डाइमर इज फॉर्म। बट इन केस ऑफ CH3 रेडिकल क्या है एनर्जी बैरियर? क्या है? हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है sp2 से sp3 हो रही है, तो देयर विल बी सिंस देयर इज रीहाइब्रिडेशन, सिंस देयर इज रीहाइब्रिडेशन तो देयर विल बी मोर एनर्जी बैरियर। क्या समझ आ गया डायमंड फॉर्मेशन? अब तुम्हें यह तो याद रहना चाहिए एटलीस्ट कि CF3 रेडिकल जो है जल्दी बनाएगा डायमंड, CF3 रेडिकल जल्दी बनाएगा डायमंड। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन देखो, एनओ का डाइमर बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। एनओ, एनओ का तुम सोच के दो, देखते कौन देता है। एनओ का, एनओ इज ऑल्सो एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, वेदर डाइमर विल बी फाउंड और नॉट, ये बताना। तुम डाइमर बनेगा इसका कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों बता? आज तेरे आंसर बहुत सही आ रहे हैं, आज लग रहा है कि तू कर सकता है। तीन आंसर के तीनों सही हैं तेरे आदित्य, और किसने सोच लिया इतनी जल्दी? सोच लिया तूने? आई चलो, आज आदित्य सही आंसर दे रहा है, अच्छा आंसर दे रहा है। एनओ, एनओ के अंदर डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे एक लोन पेयर भी है और एक क्या है लोन इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एन के पास, एन के पास पांच इलेक्ट्रॉन थे, दो तो ऑक्सीजन शेयर हो गए, तीन बच गए।
बच गया जिसमें से एक लोन पेयर और एक लोन इलेक्ट्रॉन। अब ओ में क्या पड़ेगा, ओ में क्या पड़ेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो इस लोन पेयर में या लोन इलेक्ट्रॉन में किसमें परसेंटेज एस पड़ जाएगा, लोन पेयर में, क्यों बढ़ेगा इसमें, इधर कौन देगा आंसर, निष्ठा तुम बोलो, लोन पेयर में ही परसेंटेज एस कैरेक्टर क्यों बढ़ा, लोन इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं बढ़ा, अभी बताया पीछे मैंने, तुम बोलो मनी अतुल। लोन पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होता है ना, जब एफिलियट टू के एक लोन टू बाय आर स्क्वायर, याद आ गया कि नहीं, लोन पेयर न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, इसलिए परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें बढ़ेगा, लोन पेयर में। तो लोन पेयर में जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया तो लोन इलेक्ट्रॉन में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियस से दूर भाग जाएगा, दूर कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में चला गया, इसलिए डायमंड फॉर्मेशन नहीं है, समझ आया कि नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, डायमंड फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वजह से एनओ जो है डाइमराइज करता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी से। अब तुम्हें बताना है एनओ और सीएलओ टू, इन दोनों में से डाइमर फॉर्मेशन किसका, दोनों का डिफिकल्टी से होगा, तो समझ आ गया, दोनों में लोन इलेक्ट्रॉन का है एंटी बॉन्डिंग में, किसका डाइमर फॉर्मेशन फिर भी हो जाएगा और दूसरे का नहीं। किसका हो जाएगा किसका नहीं होगा, एक का होगा एक का नहीं होगा, आंसर दे, एक का होगा और एक का नहीं होगा, देखिए ये कौन सोच पाता है, रीजन आंसर सबको पता है, पहले वाले का रीजन सोचो, दूसरे का रीजन आपको मिल जाएगा, पहले का मतलब सीएलओ टू वाले का जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। दोबारा बोल रहे, सही बोल रहा है, कुछ सही बोल रहा है, पार्शियली करेक्ट है, सोच तो गया पीछे वाले, तो थोड़ा सा और सही बोल, सीएलओ टू के अंदर जो ऑड इलेक्ट्रॉन था कितने एटम्स के बीच में रेजोनेट कर रहा था, तीन के साथ ना, एक सीएल दो, तो इधर तू दो में बोलना, तू अकेला ओ क्यों काउंट करता है, तू अकेले ओ है ना, क्या बोलेगा, इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो दो ही एटम के बीच में रेजोनेट करता है, तो इतना ज्यादा डीलोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज ज्यादा कौन सा है, सीएलओ टू के अंदर, क्योंकि वो तीन एटम के बीच में रेजोनेट कर रहा है, तीन एटम कौन कौन से, एक सीएल और दो ओ के बीच में, वेयर इज इन केस ऑफ एनओ ऑड इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेटिंग इन बिटवीन एन एंड ओ, दैट इज टू एटम बॉन्ड, इसलिए एनओ का डाइमर बन जाता है, एनओ डाइमराइजेस टू फॉर्म, और ये बोलते भी हैं एनओ का जब डाइमर बनता है ना, एनओ का जब डाइमर बनता है बोलते हैं एनओ, ध्यान देना ऐसे बनता है कुछ डाइमर इसका, ये लूज डाइमर बनता है इसका, लूज डाइमर, एनओ फॉर्म लूज डाइमर, और कौन से स्टेट में, ऐसे क्वेश्चन आएगा ये आए, इंपॉर्टेंट बहुत, एनओ इज पैरामैग्नेटिक इन गैसीय स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, क्या समझ आ गया आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनओ इज पैरामैग्नेटिक इन गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट में तो अकेले रहना पसंद करेगा, तो इससे क्या होगा, अकेले रहना पसंद कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक, लेकिन सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होगा ये, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होगा ये डायमैग्नेटिक, क्योंकि उसमें लूज डाइमर बन जाएगा, क्या ये बात समझ आ गई, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एटम मॉलिक्यूल पास होंगे कि गैसीय स्टेट में पास होंगे, सॉलिड पास होंगे मीन्स डाइमर बन गया, पास होंगे मीन्स डाइमर बन गया, क्या समझ आ गई बात की नहीं है, एनओ जो है पैरामैग्नेटिक होता है गैसीय स्टेट में बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, बट डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएलओ टू का डाइमर नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट करता है किसके बीच में, सीएल और दो ओके बीच, सीएल और दो ओ के बीच, क्या याद रहेगा, तो ये था इसके अंदर, ये याद रखना इसके अंदर। अच्छा अब और क्वेश्चन यही है कुछ, अब ये इसके अंदर हाइब्रिडेशन पूछेंगे, अगर सी एच टू एफ के अंदर रेडी हाइब्रिडेशन, सी एच एफ टू के अंदर, सी एच सी एफ थ्री के जैसे बता दिया मैंने, सी एच यही दो इसके अंदर, या सी सी एल थ्री रेडिकल में हाइब्रिडेशन,
तो ये क्या एडमिशन बोलोगे इनके अंदर, क्या एडमिशन बोलोगे इनके अंदर, तीनों के अंदर SP3 बोलना। सीसीएल रेडी को मत लिखना भी, बस ये दो बता। अच्छा देर का कुछ देखेंगे ना, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी ऐसे लगा स्थिति और स्थिति के बीच में वो मतलब नहीं छोड़े। ये ध्यान का, इनके दोनों के अंदर हाइब्रिड क्या है, SP3 है। ये कई बुक्स में लिखा हुआ है कि जैसे SP3 और SP2 के बीच में है, ऐसा कुछ लिख के नहीं आना है। जो परसेंटेज एस करेक्टर है ना, वो हो सकता है SP2 और SP3 के बीच में, लेकिन हाइब्रिडेशन एक ही होती है, या SP3 या SP2। क्या हाइब्रिडेशन है? SP3। किसकी वजह से SP3 हुई है? एफ की वजह से, सही ना, एफ की वजह से। और ऐसी इसके अंदर, ऐसी इसके अंदर समझ आ गया कि नहीं है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। NO प्लस NO बना N2O2, NO प्लस NO2 बना N2O4 3। N2O3 ब्लू कलर का लिक्विड होता है, याद रखना N2O3, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफी। ब्लू कलर का लिक्विड NO2 प्लस NO2। N2O4 अगर बोला है, इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन है जिसके नहीं होने के चांसेस है? 1 2 3। कौन सी रिएक्शन है जो नहीं होगी? ऑप्शन नहीं बताए, आदित्य दे आंसर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, कौन सी रिएक्शन है जिसके नहीं होने के चांसेस है? सेकंड, थर्ड के, थर्ड नहीं होगी, लास्ट जाते थे गलत करके। डाइमर किसका नहीं बनता इन तीनों में? बनता अभी तो पढ़ाया है, उससे ऊपर जस्ट। हाँ, फर्स्ट वाली रिएक्शन नहीं होगी ना, फर्स्ट वाली डाइमर नहीं बनेगा ना, एनओ एनओ, क्योंकि रेजोनेंस हो रही थी एनओ रो के बीच में और इलेक्ट्रॉन का, याद आ गया कि नहीं है? अगर मैं बोलूँ इस इनको, जैसे इसका रेट कॉन्स्टेंट मान लो, रेट कॉन्स्टेंट इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, तो ऑर्डर क्या होगा? K1 K2 K3, सबसे ज्यादा क्या वैल्यू होगी, किसकी होगी? K3 की। तो डायमंड सबसे जल्दी बनेगा कि नहीं? K3 का डायमंड सबसे बने जल्दी बनेगा, फिर K2 का, फिर K1 का। क्या समझ आ गया? नहीं समझ आया ये भी? K3 सबसे जल्दी, फिर K2, फिर K1 वाला कैसे याद रखना? क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्या डायमराइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? क्लियर हो गया टॉपिक, सोच लोगे इसे कि नहीं? डायमंड फॉर्मेशन के और भी बहुत सारे केसेस हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही वाले जो मैंने करवाए हैं, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से रिलेटेड है, मैंने करवा दिया, नहीं तो और भी केसेस बनते हैं, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें इसके। ना जैसे AlCl3 Al2Cl6 बनाता है, FeCl3 Fe2Cl6 बनाता है, ये भी तो केसेस है ना डायमंड फॉर्मेशन के, वो तो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया अभी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा कि ऑर्डर, इन तीनों को ऑर्डर में अरेंज करो, किसका डायमंड फॉर्मेशन जल्दी हो, तीनों आंसर देकर के। जैसे मैंने दे दिया, मैं भी करवा नहीं रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, AlCl3 NO2 रेडिकल CH3 रेडिकल, ऐसे कुछ ले लिया और बोला कि डायमंड फॉर्मेशन अरेंज करो, ऑर्डर ऑफ डायमंड फॉर्मेशन क्या होगा, समझे कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन आते, जैसे BH3 AlCl3 BH3 BH3 का डायमंड होता है ना B2S6, ये क्वेश्चन आने हैं अभी, ये इनऑर्डर के अंदर लेंगे डिटेल में, अभी नहीं कर रहे, तो इसको छोड़ देना, यही तो करना भी और याद कर लो अभी।